हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस आज के लेक्चर में, जिसमें मैं आपको कपल के न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा। मेरे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने समझा था कि कपल क्या होता है। आज वाले इस लेक्चर में आप कपल को और अच्छे से समझेंगे। तो लेते हैं ये प्रॉब्लम, जिसमें एक सिस्टम ऑफ फोर्स गिवन है हमको, जो फिगर में आपको शो हो रहा है। अब हमको इस सिस्टम ऑफ फोर्स को एक कपल में रिड्यूस करना है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो ये आपका सिस्टम ऑफ फोर्स है, जिसमें चार फोर्सेस लगे हुए हैं और उनके एंगल्स दिए हुए हैं। जैसे इस फोर्स और इस फोर्स का एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और इनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं 10 न्यूटन और 15 न्यूटन। इसी तरह से ये दो फोर्स का आपका मैग्नीट्यूड गिवन है 20 न्यूटन ईच, और दोनों का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है 30 डिग्री। अब आप देखेंगे कि ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, तो ये एक कपल को फॉर्म नहीं करेंगे। ये दोनों फोर्स इक्वल है तो ये एक कपल को फॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसका एक हम फिगर बनाते हैं सच डेट कि उससे हमको पता पड़े कि ये कपल कैसे फॉर्म करेगा और ये कपल कैसे नहीं फॉर्म करेगा। ये जो 10 न्यूटन और 15 न्यूटन है, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है और एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। इनका अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो 15 माइनस 10, 5 न्यूटन इसका रिजल्टेंट आएगा। और ये जो फोर्स है 20 न्यूटन और 20 न्यूटन, दोनों इक्वल है और अपोजिट है, ये एक कपल फॉर्म करेंगे। यहां से लेकर यहां तक आप इसको ए से लेकर एम तक एक लाइन खींचेंगे और सी से उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे सी एम, तो ये जो सी एम है ये इसका आर्म ऑफ द कपल हो जाएगा और 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन ये दो फोर्स हो जाएंगे पैरेलल। अब हम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर देखेंगे, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा, एंगल बी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये ट्रायंगल BAE राइट ट्रायंगल होने की वजह से ये आपका एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह से अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो यहां पर ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री आएगा और ये एंगल आपका 60 डिग्री आएगा। अब यहां पर तो ये हमने लिख दिया एंगल BAE इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एंगल CEM। अब आप देखिए ट्रायंगल ए बी ई, अब ट्रायंगल ए बी ई में बी ई परपेंडिकुलर अपॉन ए बी बेस, दैट इज इक्वल टू 10-30 डिग्री। अब यहां से हमको बी ई की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए बी 10-30, ए बी 12 मीटर है, ये पूरा स्क्वायर है तो इसकी सारे चारों साइड्स 12 मीटर की है, तो 12-10-30 दैट इज इक्वल टू 6.928 मीटर। अब यहां पर आप देखेंगे जो BC में दो कंपोनेंट हैं आपके, एक BE और एक CE। अगर आपके पास BE की वैल्यू पता है तो CE की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 माइनस BE, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 6.928, दैट इज इक्वल टू 5.072। अब आप इस ट्रायंगल पे आ जाइए CME, CME ट्रायंगल में आपका साइन 60 की वैल्यू होगी CM अपॉन CE, इसलिए CM की वैल्यू आ जाएगी आपके CE sin 60, CE की वैल्यू आप यहां से ले लीजिए 5.072 और sin 60 में लगा दीजिए, आपके पास CM की वैल्यू आ जाएगी 4.392 मीटर। अब आपका जो कपल बना, वो कपल बना आपका 20 न्यूटन का विथ आर्म, दैट इज इक्वल टू 4.392 मीटर। अब हम इस कपल का मोमेंट निकालेंगे। अब मोमेंट ऑफ कपल के लिए हमारे पास फार्मूला है फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल। आर्म हमने निकाल ली 4.392 मीटर और फोर्स गिवन है हमारे पास 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन इंटू 4.392 मीटर इज इक्वल टू 87.84 न्यूटन मीटर। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कपल को हम सिर्फ कपल से ही बैलेंस कर सकते हैं, किसी और फोर्स से हम बैलेंस नहीं कर सकते। अब हमारे पास यहाँ रिजल्टेंट फोर्स बचा था 15 माइनस 10, 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन का जो फोर्स है इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम से हटा रहा है, तो अब हमको एक ऐसा कपल लाना पड़ेगा जिसकी की फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन हो और आपका
कपल ऑफ दैट मोमेंट शुड बी इक्वल टू 87.84 न्यूटन मीटर और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम निकालते हैं इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो हमको मिल गया 5 न्यूटन और आर्म ऑफ द कपल हम मान लेते हैं एक्स मीटर। अब हम इक्वेट करते हैं 5 न्यूटन फोर्स को और x की वैल्यू यहां से निकाल देते हैं 87.84 से इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू देते 17.568 मीटर। तो आपका जो अगर इस सिस्टम को आपको इक्विलिब्रियम में लाना है तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपको एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा इस लाइन ऑफ एक्शन से 17.568 मीटर टूवर्ड्स राइट सच देट कि वो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करे, क्योंकि ये आपका जो फोर्स सिस्टम है वो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। तो आपको इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स द राइट ऑफ बीडी 17.568 मीटर पे एक फोर्स 5 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। चलिए ये तो हो गया कि अपना किसी भी फोर्स सिस्टम को हमने इक्विलिब्रियम में ले आए कपल के जरिए। अब हम इसी कपल का जो प्रिंसिपल यूज करके अननोन फोर्स भी निकाल सकते हैं, वो हम देखते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल में। अब देखते हैं हमारे पास ये जो दूसरा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में एक सिस्टम ऑफ फोर्स है जिसमें पी और क्यू ये दो फोर्स अननोन है और जो सिस्टम ऑफ फोर्स है एक स्क्वायर पे एक्ट कर रहा है जिसका कि साइड हमारा 1 मीटर है। ए बी फोर्स 100 न्यूटन का है, बी सी फोर्स 200 न्यूटन का है, सी डी फोर्स आपका पी न्यूटन का है और ए डी फोर्स आपका क्यू न्यूटन का है और एक डायगोनल फोर्स है जो कि आपका 100 न्यूटन का है। अब यहां पर हमको पी और क्यू फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले हम जो करेंगे जो आपका डायगोनल है ए सी, हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। यहां पर हमने इस 100 न्यूटन फोर्स को रिजॉल्व कर दिया इसके दो कंपोनेंट में। इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 100 sin 45। डायरेक्शन आप देखिए जैसा डायरेक्शन इस फोर्स का है वैसा ही डायरेक्शन हमने इसका लगाया है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया हमारा 100 cos 45। अब ये फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब आपके चारों फोर्स दो कपल का फॉर्मेशन करेंगे। और इस सिस्टम का हम इक्विलिब्रियम भी देखते हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रिसॉल्व कीजिए, आपके जो वेस्टवर्ड फोर्स है पी प्लस कॉस 45, जो आपका वेस्टवर्ड फोर्स है पी प्लस 100 cos 45, उसको ईस्टवर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। यहां से आप पी की वैल्यू निकाल देंगे, पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 29.3 न्यूटन। अब हम इस सिस्टम को वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे। वर्टिकली रिजॉल्व कीजिए, जो आपका अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स वो दोनों इक्वल होना चाहिए। आपका देखिए अपवर्ड फोर्स है 200 माइनस 100 sin 45 और आपका डाउनवर्ड फोर्स है क्यू। यहां से आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 129.3। ये आपका दो आर्म ऑफ द कपल है, ये भी आपका दो आर्म ऑफ द कपल, इन दोनों को इक्वल होना ही चाहिए क्योंकि कपल का कंडीशन रहता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कंडीशन बताई थी आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कपल में कि किसी भी कपल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है अगर उसके मैग्नीट्यूड्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए। यहां पर आप देखेंगे आपके पास दो कपल आ रहे हैं। एक कपल आपका आ रहा है जिसका कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है और उन दोनों का आर्म ऑफ द कपल है 1 मीटर। इसी तरह से आपका जो दूसरा कपल बन रहा है यहां पर जिनका कि फोर्स मैग्नीट्यूड है 129.3 और उनका भी आपका जो आर्म ऑफ द कपल है 1 मीटर है। अगर इन दोनों का मोमेंट हम निकाल के और दोनों को एड कर दें तो पूरे सिस्टम में जो कपल फॉर्म करेगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब इनके निकालते हैं हम दोनों के मोमेंट्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट कपल इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल कपल्स। एम इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू। एम वन की वैल्यू आ गई आपकी 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर, 100 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। एम टू की वैल्यू आ गई आपकी 129.3 इंटू 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 129.3 न्यूटन मीटर। और आपका इक्विवेलेंट कपल की वैल्यू आ गई एम इज इक्वल टू 100 प्लस 129.3 दैट इज इक्वल टू 229.3 न्यूटन मीटर। अब हमको इसके डायरेक्शंस का पता लगाना है। आप देखेंगे कि आपका जो ये कपल है 129.3 का
ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह से आपका जो 100 न्यूटन मीटर का कपल है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका जो नेचर आएगा इक्विवेलेंट कपल का वो भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। आशा है स्टूडेंट्स आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपने कपल के बारे में और अच्छे से समझा न्यूमेरिकल्स के जरिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए, कीप वॉचिंग माय लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।